सेक सरावली आर टू टेक ऑन नीलगिरी नाइट्स युवा कबड्डी सीरीज समर वर एडिशन। आज के दिन का आखिरी मुकाबला अरावली कांग्रेस जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो आपका डिफेंस है। रेडर्स क्या कुछ कर पाते हैं, अरावली एरोस की टीम सीधे आपके स्क्रीन के ऊपर। जान अवप्रीत सिंह का को बुलाने का स्वागत है राधिका। गुड इवनिंग आयुष। यस दिस इज डेफिनेटली आप बात करते हैं तो याद रखिएगा कि वह स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ रेफरी भी स्टाइलिश मुस्टैच के साथ में इंप्रेस करते हुए नजर आए। लेकिन क्या रेडर्स इंप्रेस कर पाएंगे? नीलगिरी नाइट्स अपना पहला मुकाबला खेल रही है। हालांकि कुछ प्लेयर्स इनके अंदर आपको ऐसे नजर आएंगे जिन्होंने पिछले एडिशन खेले हैं, उनकी बात की जाएगी। लेकिन पहली रेट हरीश की है। डिफेंस पूरा हाउस पैक है इस सदे हुए डिफेंस के अंदर, इस बड़े डिफेंस के अंदर जिसके अंदर कई सारे बड़े नाम है। परफॉर्मेंस निकालना, वहां से पॉइंट चुराना आसान रहता नहीं है। लेकिन याद रखिएगा अरावली एरोस के सामने कई खिलाड़ियों ने बोनस निकाले हैं, बड़ी आसानी के साथ निकाले हैं। हरीश एंड तक अपनी कैंट को लेके गए हैं। समय रहते लाइक ही स्कोर्ड सुपर 10 सॉरी ही वाज बीन अ फेनोमिनल रेडर इन हिज फर्स्ट मैच इन समर एडिशन टुडे एंड दैट रिलाइज ऑन दिस रेडर टू क्रैक दिस कॉर्नर डिफेंस स्पेशली द लेफ्ट कॉर्नर अवेलेबल। शून्य शून्य रेडर शेप 3 पॉइंट अरावली एरोस जैसे नंबर 66 8 एंड 4 आउट। Perfect escape for examples. They look like a cohesive unit, and this is the inevitable and do or die raid. And this is the point just before this one. So bit of confidence in his footwork, that's what we see. Again, ooh, blowing dash is it Ayush? 1 point, Aravali Arrows. और यही स्ट्रेंथ है अरावली एरोस के डिफेंस की, यही स्ट्रेंथ है जो उनके डिफेंडर्स है वो कभी भी पोजीशन चाहे कोई भी हो कॉर्नर की पोजीशन से प्रेम ने वो इनिशिएशन लेने की कोशिश की थी, लेफ्ट कॉर्नर पे खड़े थे राइट। ये मल्टी पॉइंटल रेड हो सकती है या डिफेंशन, लेकिन अरावली एरोस चीजों को मैनेज कैसे कर रही है वो देखना पड़ेगा। एंकल होल्ड हुई जरूर है और अब मुझे लगता है कि ब्रजपाल का वापस आना आसान नहीं। बाहर की तरफ धकेला है इस बार एंडलाइन के पीछे, अद्भुत डिफेंस। 2 पॉइंट सुपर टैकल के लिए। क्यों नीलगिरी नाइट्स के कोच ने ये कहा था कि हमारी टीम डिफेंस से सदी हुई है, उसका एग्जाम्पल अब उन्होंने पेश किया। Yeah, first defensive points came in the form of brilliant ankle hold and look at the follow through. The ankle sword. Sometimes, as you have won the first match, it gives you more confidence getting into the second one. You know, but then if you would have lost it. के अंदर कंसिस्टेंटली जगह नहीं मिल रही तो उसकी वजह से आप साइकोलॉजी उतने फिट नहीं है कि आप टीम के अंदर परफॉर्म कर पाए, या फिर आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आपको जगह नहीं मिल रही है। लेकिन पांच के डिफेंस में बोनस भी तौसीफ के लिए एक्टिवेट है नहीं। फ्रंटल ब्लॉक आया, तौसीफ बाहर गए। अरावली एरोस, दे आर कमिंग बैक विद अ विक्ट्री एंड लुक एट दिस कि दिस इज द सेकंड टाइम ही इज डूइंग इट इन अ सिमिलर फैशन। आई यूज 1 पॉइंट नीलगिरी नाइट। नवप्रीत सिंह के सामने से जंप लगाना अद्भुत, और किस स्पीड के अंदर, कैंट का ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया था हरीश ने, परफेक्ट जंप लगाया। उन्होंने देख लिया कि अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा नीचे की तरफ लेके आ रेड के साथ वापस गए। तो हरीश जिन्होंने पिछली रेड में एक्सीलेंट जंप लगाया था उनके ऊपर दारमदार है। पिछली बार वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर टच कर कराए। प्रेम बादू जिन्होंने आज अपना हाई फाई कंप्लीट किया था, लेकिन वो दोपहर का मुकाबला था, वहीं ये डिफेंस कर रहे थे, यहाँ इनको रेड करनी है। और सौभाग्य देखिए इनका, जहाँ अराउंड टैकल की सिचुएशन है अरावली एरोस के डिफेंस के अंदर वो क्षमताएं तो है जरूर। और प्रेम जब तक मैट के ऊपर मौजूद है इससे आपको पता चलता है कि टैकल कितने टफ हो सकती है, लेकिन खिलाड़ी जब टीम गेम खेलते हैं तो लास्ट टाइम इनकी पोजीशन के ऊपर कवर की पोजीशन के ऊपर अटैक कर रहे थे, यहाँ कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर है प्रेम भादू, अकेले खिलाड़ी है। डैश आया जरूर। Did he cross the midline? Oh, Southern Derby का Southern Swag है अमित सिंह रेड के ऊपर। आखिरी के कुछ रन बचे हैं। Bend down होने की कोशिश की, ankle बहुत strong tackle करते हुए 5 point है नीलगिरी नाइट्स के पास। All out के 2 point भी इन्होंने ही कमाए। दूसरी तरफ 9 in total निकल। And Navpreet Singh coming in for the first time. Ah, what a second layer of defense that. Aravali Arrows की जीत की उम्मीदों को भी हल्का सा fade कर देगी। This raid had made the difference in the raiding unit for the team, and will he make again? No. The body language wasn't good. You know, if you would have been confident, you would have jumped into the lobby's eyes. But then this time around,
उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा बांध के रखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा राधिका एग्जैक्टली उसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है। जब आप एफर्ट्स लगा रहे हैं वो काम भी आ लेकिन हमारे पास एक एंजल है, स्टेट्स एंजल, जो कभी कभी हमारी मदद करते हैं लैंग्वेज के। टू पॉइंट्स, वन वाज द एस्केप, वन वाज द बोनस फॉर दिस रेडर। नाउ ही नीड नॉट गो डीप इन बिकॉज़ इन अ डिफेंस ऑफ फोर इट्स नेवर इजी। जस्ट प्ले विद द टैकल पॉइंट। आज के इस मुकाबले में अरावली एरोज के लिए निकाला तो उनके साथ ही खिलाड़ी अमित सिंह अब रेड के ऊपर, डिफेंस पूरा पैक है, सदा हुआ है। लेकिन जब जब इस खिलाड़ी ने नीलगिरी नाइट्स के लिए पॉइंट निकाले, अरविंद राज वीरान रेड करने के लिए गए हैं, एंकल के ऊपर धावा बोलने की कोशिश भी की गई है, कॉम्बिनेशन दिखाया और इस बार अरावली एरोस का डिफेंस पॉइंट भी लेकर आएगा। एसोसिएशन से मैं समझ गया कि वो कहीं ना कहीं राजस्थान से बिलोंग करते हैं। नो, दिस इज अ लवली एस्केप फॉर अरावली एरोस। 17 6, दैट्स व्हाट 6 आई व्हेन ही इज फ्रॉम योर स्टेट, सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। 2 पॉइंट अरावली एरोस। That's a lovely two-pointer, is it? One review. Rider. Defender. One. And who is the second one? I think the second one was also in contact. Aravali Arrows do or die ki situation mein khilana cha rahi hai. Harish, ab yahan to point lana padega. Ab yahan se yadi point lekar nahi aate, niche dekh sakte hain aap. Pichli 5 raid mein ek baar pakde gaye hain, sirf 2 point inhone nikale hain. Back to back 2 empty raid lagayi hai, lekin ab in paristhitiyon mein aap empty raid afford nahi kar sakte. Struggle mein jana hi hoga. Bonus se kaam ka chal sakta hai. 4 minute ka khel, 4 ankon ka ye faasla kam kiya ja sakta hai, humne hote mein dekha hai. Do or die ki परिस्थिति आई है और अमित सिंह उस पर रेड करने के लिए 3 रेड लगाई जरूर है। चौथी के मुझे नवनीत की याद आ गई, अगर नवनीत होते तो वो निश्चित तौर पे कहते लग जा गले वाला गाना बजता। आप अपने साथी खिलाड़ी की सुनेंगे या बतौर कोच मैंने जो कहा है उसको फॉलो करेंगे और वो करना पड़ेगा। नवप्रीत सिंह रेड के ऊपर आए हैं पॉइंट लेकर, मुकाबला बराबरी का चलता हुआ नजर आ रहा है। हो चीजें कुछ भी सकती है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नीलगिरी नाइट्स, मुझे लगता है यदि वो खुद गलतियां नहीं करें तो मुकाबला नहीं को, यदि आप अपनी ताकत बना लेते हैं का मतलब ये कि मुश्किलात का सबब आप ओपोनेंट के लिए बन जाएंगे। इस बार सोलो टैकल की कोशिश की गई है लेकिन डू और डाई की परिस्थिति है, बोनस भी उनके लिए एक्टिवेटेड। फ्रंटल ब्लॉक, जाट साहब का वॉच, लास्ट रेड एंड दैट्स अ सुपर टैकल टू फिनिश इट ऑफ नीलगिरी नाइट्स। आयुष, what a way to you know step their foot into the Yuva Kabaddi series. Nilagiri Knights. बिता बच्चन साहब कहते हैं ना, स्वागत आबार अभिनंदन, बस वही कहता हूँ, आसान होता नहीं है। फिजिकली जैसे जैसे आप वो एनर्जी लगाते हैं, यूटिलाइज करते हुए मैच के ऊपर नजर आते हैं, वो स्ट्रेंथ, वो स्टैमिना, सब कुछ समय के साथ थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए चीजों को बनाता जरूर है। अरावली एरोस आखिरी पॉइंट अपनी टीम के लिए निकालते हुए नजर आएंगे और शायद अब फुल टाइम का वो संकेत आ जाएगा। Exactly, that's a frontal block coming in from the left corner to finish it off. One victory from tackle points they have scored above both teams. Ayush, टैकल कैंडिडेट होता है जो आपकी टीम के लिए काम करता है। हालांकि इस मुकाबले के अंदर इतने सारे रेड पॉइंट देखने को नहीं मिले लेकिन 6 पॉइंट हरी। Yeah, this is the best defender for us, Abhi Kumar. 5 tackle attempts.